नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बैंगन भाजा है, तो चलिए फटाफट बनाते हैं। सबसे पहले आप लिए हल्दी एक चम्मच, एक चम्मच छोटा चम्मच से धनिया पाउडर, और ये जीरा पाउडर रहा आपका, वही चम्मच से थोड़ा कम है जीरा, और आधा चम्मच लिया ब्लैक सॉल्ट यानी कि काना नमक, अब ज़रूर लीजिएगा। और ये रेगुलर सॉल्ट है यानी कि अब जो जरूर नमक खाते हैं वो है। और यहाँ पर मिर्ची पाउडर लिए आधा चम्मच, और ये हम बता रहे हैं आपको, ये महाराष्ट्र का मसाला है, कांदा लहसुन मसाला और मिर्ची गरम मसाला वगैरह इसमें दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे बोलते हैं प्याज लहसुन मिर्ची मसाला, और साथ में हम डालेंगे लेमन, आधा नींबू काट के हम यहाँ पे हम निचोड़ लेते हैं, बहुत ही टेस्टी बनेगा। और अगर काली मिर्ची आप डालना चाहते हो तो काली मिर्ची आप डाल सकते हैं, लेकिन मुझे काली मिर्ची इसमें नहीं डालना है। और इसमें लीजिए सरसों का तेल, सरसों का तेल ही लीजिएगा, दूसरा तेल लेंगे तो टेस्ट अलग हो जाएगा। आप कभी भी देखिएगा बंगाली खाना में सरसों का तेल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो मसाला मिक्स हो गया। चलिए बैंगन काट देते हैं। बैंगन बहुत अच्छा चिकना वाला अच्छा वाला लाया है, आप भी इसी तरीके से खरीद के लाइए ना, तो कीड़ा मकोड़ा वाला मत लाइएगा। आधा इसको काट के रख देते हैं आगे वाला, और इस तरीके से हम पतला पतला काट लेते हैं। आप मोटा काट सकते हो, लेकिन ये पतला साइज अच्छा लगता है, मसाला अच्छे से भी उसमें भर जाता है और टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो चलिए हाथ बचा के इसको इस तरीके से काट लीजिए आराम से। वीडियो को हम थोड़ा फास्ट कीजिए, आप आराम से काटिएगा ताकि हाथ उंगली वगैरह ना काटे। अब देखिए बैंगन कट के हो गया रेडी, और ये आगे पीछे का भाग हम सब्जी में यूज करेंगे, तो इसको हम रख देते हैं साइड में। और चलिए अब मसाला लगा देते हैं बिना लेट किए। तो इसी तरीके से आप मसाला लगाइए, बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनता है ये, और टेस्ट भी बहुत लगता है। अब सिर्फ मसाले पे ध्यान दीजिएगा, और ये बैंगन भी बहुत ही, जो नहीं खाते ना सब्जी, इसको बैंगन का रेसिपी इस तरीके से बना के दीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अगर मसाला आपको ज़्यादा अच्छे से भरना है तो इस तरह मछली जैसा चीरा मार लीजिए, और इसमें मसाला भरना और भी आसान हो जाएगा, और मसाला ज़्यादा लेगा इसमें। देखिए तो इसी तरीके से आराम से मसाला अच्छे से भर दीजिए बैंगन में, और बस इसको चीरा मारा में भी मसाला अच्छे से भर दीजिए, और ये अच्छे से मसाला हो जाएगा रेडी। तो चलिए फिर बातों बातों में देखिए सारे बैंगन में हम मसाला लगा लिए हैं, और अब चलिए हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे, यानी कि गैस जलाते हैं, कढ़ाई चढ़ाएं, और इसमें डालेंगे सरसों का तेल। हाँ, क्योंकि फ्रेंड्स हम सरसों का तेल ही खाते हैं, आप जो खाते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सरसों का तेल, हम लोग को ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पे एक करके तेल गर्म होने के बाद डाल दिए बैंगन, आप भी आराम से डालिएगा, हाथ में लगे नहीं गर्म तेल, अब सावधानी से काम कीजिए। और ये हम डाल दिए इसमें 7 बैंगन का पीस, और इसको तेल इस तरीके से हम थोड़ा इसमें मिला देते हैं ताकि चारों तरफ इसको पेस्ट हो जाए, और इसको उलट पलट करके हम पकाएंगे। थोड़ा सा चम्मच से हल्का सा तेल और दे देते हैं, इसमें तेल का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, कम तेल में ही बन जाती है। तो बस इतने ही तेल लेंगे, इसको पलटी कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप, मैं ये मेरा वीडियो एक दिन छोड़ के दूसरा दिन आ ही जाता है, और बहुत अच्छे अच्छे रेसिपी हम बनाते हैं फ्रेंड्स। और अगर आप मेरा रेसिपी आपको पसंद आता है तो सबसे पहले आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि मैं कोई भी रेसिपी बनाऊँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और फेसबुक पर तो फॉलो करना ना भूलिएगा, और ये कमेंट कीजिएगा कि मेरा रेसिपी आपको कैसा लगता है फ्रेंड्स। तो देखिए बातों बातों में दोनों तरफ इसको हम पलटी कर लिए, पका लिए, और ये रहा आपका बैंगन भाजा रेडी। तो चलिए इसको प्लेट में निकाल लेते हैं फटाफट, देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा, तो आप ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए, ये रहा आपका बैंगन भाजा गर्मा गर्म रेडी। तो इसी तरीके से और भी बना लेते हैं। देखिए ये भी हमारा रेडी हो गया, सारे बैंगन भाजा हो गया रेडी, बैंगन फ्राई भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स खाइए, बहुत ही टेस्टी है, और आप ज़रूर बनाइएगा, जो नहीं खाते हैं उनको बहुत पसंद आएगा। और खाइए, स्वस्थ रखिए, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।